हेलो काफ़ी लोगों की क्वेरीज थी कि क्या हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या सेल्फ स्टडीज़ करनी चाहिए। अगर कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो पोस्टल मीडियम से करनी चाहिए या फिर ऑनलाइन करनी चाहिए या फिर जो फिज़िकल सेंटर्स होते हैं वहाँ पे जाके करनी चाहिए, या फिर सेल्फ स्टडी पॉसिबल है, अगर वो पॉसिबल है तो कैसे करना है। तो ये सारी काफ़ी सारी क्वेरीज स्टूडेंट्स की आ रही हैं, तो इसके ऊपर हमने ये वीडियो बनाई कि हमें कोचिंग अगर करनी है या नहीं करनी है तो ये हम डिसीजन कैसे लेंगे, राइट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जब हम यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ होती है कि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। जैसे कि ये इसका सिलेबस है, ये सब हमको पढ़ना है, ये सिलेबस बहुत बड़ा लगता है। हिंदू भी पढ़ना है हमें, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ना है, 50 हिस्ट्री की किताबें हैं, ज्योग्राफी की है, इकोनॉमिक्स की हैं, करंट अफेयर के बारे में पढ़ना है, तो आखिर कहाँ तक हम पढ़ें, राइट। तो ये हमारा सिलेबस होता है, लेकिन एग्जैक्टली पूछा क्या जाता है, पूछा सिर्फ ये चीज़ जाती है, ये जो इंटरनल सर्कल है ना वो चीज़ पूछी जाती है, राइट। कि हमसे पूछा बहुत लिमिटेड जाता है लेकिन हम पढ़ते बहुत कुछ है। तो ये जो गाइडेंस है कि जो हम पढ़ रहे हैं और जो पूछा जाएगा, इसके बीच का ये जो गैप है, इसको कौन रिड्यूस करेगा? इसको रिड्यूस करते हैं आपके मेंटोर्स या फिर आपके जो गाइड हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, राइट। ये जो गैप है ये रिड्यूस करता है कौन कौन? आपके कोई गाइड है, मतलब कि कोई टीचर है, कोई जहाँ पे आप पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में वहाँ पे कोई फैकल्टी है वो आपको गाइड कर सकती है, या फिर कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट आपको हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका भाई या बहन कोई आपकी सेलेक्ट हुई हो वो आपको गाइड कर रही है, या आपके पेरेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, या फिर आपको कौन हेल्प कर सकता है, या फिर आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट हेल्प कर सकते हैं, राइट। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको ये गैप रिड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आपको कोचिंग करनी ही करनी है, आपको ये डिसाइड करना है कि आपके पास एक गाइड होना चाहिए। गाइड होना ज़रूरी है, गाइड आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो कि सेलेक्टेड कैंडिडेट है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर आपके जो फैकल्टी है, आपके कॉलेज की फैकल्टी है या स्कूल की फैकल्टी है वो हो सकती है। तो इनमें से कोई भी आपको चूज़ करना है जो आपको सही डायरेक्शन देने के लिए रेडी हो कि आखिर आपको सिविल सर्विस की तैयारी करनी कैसे है। क्योंकि सिविल सर्विस की तैयारी एक अगर आप स्ट्रेटजी से करेंगे तभी आप सक्सेसफुल होंगे। जो कैंडिडेट सक्सेसफुल होते हैं और जो नहीं होते हैं उनमें डिफरेंस यही होता है। अराउंड 10 लाख के आसपास कैंडिडेट्स होते हैं जो कि प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं, और सेलेक्ट कितने होते हैं? 750, 750 में 750 के आसपास के जो फाइनल लिस्ट में आते हैं वो उतने लोगों के नाम आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 10 लाख से लेके इतने लोगों में आखिर डिफरेंस क्या था? डिफरेंस था सही स्ट्रेटजी का। तो सही स्ट्रेटजी गाइड या सेलेक्टेड कैंडिडेट्स या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में लोग पूछते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं टेलीग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी, कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अगर हम ज्वाइन करें तो कौन सा ज्वाइन करें, राइट। सो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि कितने टाइप के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है मार्केट में। कुछ होते हैं जो कि आपको फिजिकल सेंटर वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, राइट, क्लासरूम कोचिंग्स। सो अगर आपके घर के आसपास कोई क्लासरूम कोचिंग है जो आपको लगता है कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है तो उनको आप अप्रोच कर सकते हैं, उनका अगर कंटेंट वगैरह आपको अच्छा लगता है। सेकंड होता है ऑनलाइन कोचिंग्स, राइट, सेकंड होता है ऑनलाइन कोचिंग्स जो कि आपको ऑनलाइन वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करते हैं और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और धीरे धीरे ये गैप जो है रिड्यूस हो रहा है, ये फिज़िकल कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग सेम होती आ रही है, क्योंकि जो फिज़िकल कोचिंग सेंटर्स होते हैं वही अपना कंटेंट जो है ऑनलाइन पे पब्लिश करते हैं, राइट। सो इनमें जो बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो है विजन आईएएस है, वाजीराम एंड रवि है, केएसजी है, खान स्टडी सर्कल है, एनालॉग आईएएस है, ईजी क्लासेस हैं, चाणक्य है, चाणक्य अकेडमी है, एंड यूनिक शिक्षा है। ये बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा कंटेंट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। और कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहाँ पे कुछ फैकल्टीज अच्छी हैं और कुछ फैकल्टीज थोड़ी सी एवरेज क्वालिटी की होती है, तो ये आपको अपना डिसीजन लेना होता है, राइट। ऑनलाइन और फिज़िकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये आपके लिए अवेलेबल हैं। और दूसरा एक और नया कॉन्सेप्ट आया है, वो आया है मेंटोरशिप का।
मेंटोरशिप का। मेंटोरशिप में जो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने स्टार्ट किया एसओएमपी ने, ये लोग क्या करते हैं, दे हैव सम सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी सेलेक्टेड इनटू सर्विसेज, दे आर गाइडिंग द एस्पिरेंट्स, राइट, एंड दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ दिस फिजिकल इंस्टीट्यूट और ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट, बट दे एक्ट एज अ गाइड, दे नज यू इन द राइट डायरेक्शन, राइट, दे विल बी गिविंग यू सर्टेन टारगेट्स टू बी कंप्लीटेड इन अ सर्टेन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, देन टेस्ट विल बी गिवन, देन द इवेल्यूएशन विल बी डन, एंड दे विल बी अवेलेबल टू यू फॉर 24/7, एंड डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम दे विल बी अवेलेबल टू यू। सो दिस इज़ वन ऑफ द न्यू कॉन्सेप्ट बाय SOMP, एंड and this can be helpful to you. So basically I want to tell you that you can go for Vision IAS, Vajiram, KSG, Analog, EG or SOMP depending on the requirement which you have, right? If you can afford good amount of money, you want physical center or you want online videos, then you should go for these centers, right? Because the fees is quite heavy, but they are also providing some online videos, and the physical center has its own charm, right? These SOMP kind of institutes which are providing mentorship, they are gathering to a different kind of students, right? Those students who cannot afford these costly institutes, or who cannot go and spend long time in the coaching institutes or the online videos, they have limited kind of time, but they are capable of self studies, they just want someone to guide them, right? Just as I talked that is if there is parent or some selected candidate or your brother or sister or someone you need as a guide, which can be either from coaching institutes or from your relative. So the difference is that, and the choice is upon you. You have to make the choice, right? And we will be making different videos depending on the requirement. Next video will be on how to go for self studies, right? Self studies, hum log kaise kare, uske upar we will be making the next video, right? Thank you very much.